सेंसर बोर्ड ने हमारी फिल्म 72 हूरें के ट्रेलर को सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया है। हैरानगी की बात है और काफी मजाक भी है कि एक ऐसी फिल्म जिसको सरकार ने नेशनल अवार्ड दिया, एक नहीं दो इफ्फी में इसको अवार्ड मिला है और फिल्म को सराहाया गया है, और सेम फिल्म ट्रेलर में वही विजुअल्स हैं जो फिल्म में। आपने ट्रेलर को सेंसर सर्टिफिकेट न देकर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है सीबीएफसी ने। इसलिए हम प्रोड्यूसर्स, गुलाब सिंह जी, मैं, अनिरुद्ध और इसके डायरेक्टर संजय पुरन सिंह चौहान, ये सवाल करना चाहते हैं और करना चाहेंगे। हमारे जो चेयरमैन हैं प्रसून जोशी साहब सीबीएफसी के, कि ये कैसी विडंबना है और ये क्या डिसीजन है, कौन है ये लोग सेंसर बोर्ड में जिन्होंने ये डिसीजन लिया है। सेंसर बोर्ड का इतना बड़ा मजाक तो नहीं उड़ सकता। और मैं अनुरोध करना चाहता हूं हमारे आईएमपी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी से कि वो इसकी इंक्वायरी करें। ये कारण क्या है कि एक नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म को आप उसके ट्रेलर को आप सेंसर सर्टिफिकेट इश्यू कर रहे हैं। कौन है ये ब्लैक शीप्स सेंसर बोर्ड में जो सेंसर बोर्ड को बदनाम कर रहे हैं। और मुझे इस बात का यकीन है कि हमें इंसाफ मिलेगा, हमें हमारे ट्रेलर को सर्टिफिकेट जल्द से जल्द इश्यू किया जाएगा। ये एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर एक रोक है और एक ऐसी फिल्म जिसे नेशनल अवार्ड मिल चुका है। प्रणाम सभी को, राम राम, सनातन धर्म की जय। आज बॉलीवुड जाग चुका है और आज उन लोगों ने बॉलीवुड को जगाया है जो लोग काफ़ी देर से परिश्रम कर रहे थे कि भैया बॉलीवुड के अंदर एक वर्ग ऐसा है जिसको हमेशा डाउनग्रेड किया गया है, जिनमें है हिंदू। पहले आई कश्मीर फाइल्स, विवेक रंजन अग्निहोत्री जी को सल्यूट। फिर आई द केरला स्टोरी, सल्यूट है आदित्य शर्मा को और जो डायरेक्टर साहब हैं। और अब आ रही है 72 हूरें। 72 हूरें की पूरी टीम को मेरी तरफ से सल्यूट, और ख़ास करके हमारे जम्मू कश्मीर के, जो मैं उन्हें लौह पुरुष कहूँगा, अशोक पंडित जी, एक बड़े ही बेहतरीन फिल्म मेकर जिन्होंने कश्मीर के ऊपर कई सारी फिल्में बनाई। अब 72 हूरों के ट्रेलर को बुधवार को 11 बजे रिलीज़ करना था और 72 हूरों के जो ट्रेलर है उसको जो सेंसर बोर्ड है उन्होंने सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया है। वैसे कोई नई बात नहीं है, अर्बन नक्सल्स हर जगह बैठे हुए हैं, गद्दार हर जगह बैठे हैं जो ये नहीं चाहते कि भैया अगर कोई सच सामने आ रहा तो उसको सामने आने से ये ना रोकना ही है, बस उन गद्दारों ने रोकना है। जैसे कश्मीर फाइल्स आई थी तो यहाँ के एक व्यक्ति कहने लगे जी यूट्यूब पे डाल दो, फलाना कर दो, ये झूठ है, कश्मीर कभी आए भी नहीं होंगे, अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूँ, और कहने लगे ये झूठ है। वैसे ही केरला स्टोरी को प्रोपोगेंडा बताया। और अब 72 हूरों के जो ट्रेलर है उसके ऊपर सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट ही नहीं दे रहा। बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के अंदर सच को सामने लाने के लिए जो लोग इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन उस सच को एक्सेप्ट करना कई लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। उनमें से सेंसर बोर्ड भी एक है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे हमारे मीडिया में एडिटर्स गिल्ड है कि वो कुछ अपने चहेतों पत्रकारों के साथ तो खड़े होते हैं, लेकिन जब बाकी सत्य बोलने वाले पत्रकारों को कहीं पे लताड़ा जाता है, कहीं पे रोका जाता है, तो उनके साथ नहीं खड़े होते। सेम सेंसर बोर्ड का यही काम है। वैसे जिस तरह से बॉलीवुड को पता चल गया और अब बॉलीवुड सीख गया है, वैसे ही सेंसर बोर्ड को भी मुझे लगता है कि अब पता लगना बहुत ज़रूरी है। 72 हूरें एक ऐसी फिल्म है जिसे ऑलरेडी अवार्ड मिल चुके हैं और अब उसके ट्रेलर को रोकने की कोशिश की जा रही है। अशोक पंडित जी ने जो स्पेशल बातचीत की हमारे साथ, वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन मैं सल्यूट करता हूँ अशोक पंडित जी को और पूरी टीम को जिन्होंने 72 हूरें बनाई, क्योंकि हमारे कश्मीर में भी कई सारे आतंकवादियों के मुंह से 72 हूरों का नाम निकलता था। इसलिए जम्मू कश्मीर के लिए भी 72 हूरें फिल्म देखना बहुत ज़रूरी है। मेरी फुल सपोर्ट है 72 हूरों को। जैसे ये फिल्म आएगी हम पूरी सपोर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर जनमानस इस मूवी को देखे। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद। राम राम, सनातन धर्म की जय।